subscribe and press the bell icon for latest update. अपने कर्नाटक दौरे के तीसरे दिन भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से सीखने की सलाह दी है। राहुल ने कहा कि सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते हैं तो वह सामने से आ रही गेंद को देखते हैं और फिर बैट चलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकेट कीपर को देखते रहते हैं और उनका ध्यान बैटिंग पर नहीं जाता है। नरेंद्र मोदी को सचिन तेंदुलकर से सीखना चाहिए। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव जल्द होने की भी आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री देश में जल्द चुनाव करवा रहे हैं, लिहाजा उनके पास समय कम बचा है और अब वह जनता के काम करना शुरू कर दे। पिछले 3 साल से ज्यादा समय में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी हर जनसभा में प्रधानमंत्री पर हमलावर रुख अख्तियार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि प्रधानमंत्री अपना काम बताने के बजाय सिर्फ कांग्रेस की कमियां गिनाते रहते हैं और वह हर काम के लिए कांग्रेस को दोष देते हैं, लेकिन अब उन्हें यह बंद कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि वह कांग्रेस की कमियां बताना बंद कर दें, बल्कि उन्होंने क्या काम किया है यह जनता को बताएं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।